हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टोन। सो चल रही है रिवीजन क्लास, क्लास एलेवेंथ के टर्मिनल एग्जामिनेशंस की हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने एपीजीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर का। ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज एम रेशियो एन। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना होता है बेटा? ए प्लस बी बाई टू। और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। ये होता है इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो रेशियो है, ठीक है, ए एम और जी एम, जिसको आप कन्वीनियंटली कैपिटल ए अपॉन कैपिटल जी भी लिख सकते हैं। तो ये दिया गया है, कितना आपको दिया गया है? एम रेशियो एन दिया गया है। ठीक है बेटा? हाँ सर। दिस इज गिवन यू एम अपॉन एन। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको नंबर्स जो हैं उनका रेशियो लेके आना है, मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा ये थोड़ा सा हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, और जो बच्चा घर से प्रैक्टिस करके गया है अच्छी खासी, तो इस क्वेश्चन को लगा सकता है। बोलिए, क्लियर बेटा? हाँ सर। चलिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो a अपॉन g, तो a की वैल्यू रख दीजिए, a यानी अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, और g का मतलब है बेटा अंडर रूट ए बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। एंड दिस रेशियो इज इक्वल्स टू m बाई n। डन बेटा? यस सर। सो व्हाट कैन आई राइट दिस? ए अपॉन बी टू रूट ए बी इक्वल्स टू एम बाई एन। क्लियर? हाँ सर। अब देखिए, क्या आप अंडर रूट ए को अंडर रूट ए का होल ए को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं? बेशक लिख सकते हैं। इसे आप रूट बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और टू रूट ए रूट बी को आप टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू एम बाई एन, ये चलता रहेगा। ठीक है? हाँ सर। अब मैथ्स में एक चीज़ होती है, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोडेंडो डिविडेंडो। सो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंपोडेंडो डिविडेंडो। ठीक है? तो पहले कंपोडेंडो डिविडेंडो मैं आपको बता देता हूँ। श्योर आपको पता है कंपोडेंडो डिविडेंडो क्या होता है? सर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना? नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये जो रेशियो होता है, ऊपर कंपोडेंडो यानी एडिशन और नीचे सब्ट्रैक्शन, एंड द सेम इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस सी। मतलब हाँ कि डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ना है माइनस करना है, जोड़ना है माइनस करना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। सो सेम यू विल अप्लाई हियर, अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है बेटा? सो अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, सो न्यूमरेटर क्या है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट बी। बोलो क्लियर? एंड यहाँ डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी। क्लियर दिखा बेटा? इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है बेटा? हाँ। तो एम प्लस एन एम माइनस एन यहाँ राइट साइड में बन गया। देखिए आप, क्या आप इसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की स्ट्रक्चर, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ऊपर एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो यदि आप यहाँ पे भी कंपोडेंडो डिविडेंडो, सॉरी अभी कहाँ, ये तो एक बार लग चुका है ना, तो एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। क्लियर? अब बेटा दोनों को मर्ज कर लीजिए, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए
माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम प्लस एन डिवाइड बाई एम माइनस एन। ओके सो अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए। इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट लग जाएगा, यस और नो? यस। अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट एम माइनस एन, ठीक है? चलिए ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, इसको आप नंबर वन दे सकते हैं। बट अभी हम दूर हैं क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए है वो ए और बी का चाहिए। क्लियर? तो हम फिर से एक बार यहाँ पर एम्प्लाई कंपोडेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कंपोडेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे श्योर, तो रूट ए प्लस रूट बी, बी में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर इज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और नीचे रूट ए प्लस रूट बी माइनस डिनोमिनेटर को करेंगे तो रूट ए माइनस हो जाएगा और रूट बी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था और माइनस के अटैक से प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ और सर। ऊपर रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। क्लियर है? न्यूमरेटर में वही चीज़ डिनोमिनेटर ऐड कर दी और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दी। क्लियर? तो रूट बी से बेटा रूट बी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम टू रूट ए, और रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, हेयर इट विल बिकम टू रूट बी। डन? अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपॉन अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा and the left part will be under root a upon under root b। clear है बेटा? हाँ सर। okay। अब बहुत ही सिंपल है, आप रूट के पास बैठे हुए हैं, अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो a upon b बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा श्योर? तो चलिए यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो मेरा राइट साइड में भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी, तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी इक्वल टू बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है कि नहीं होता? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो बेटा ए स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर का रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा? तो एम प्लस एन ए का स्क्वायर एम माइनस एन बी का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एम प्लस एन m माइनस एन। डन बेटा? हियर इट इज अगेन m प्लस एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन, ठीक है श्योर? नाउ n से n कैंसिल हो गया और यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो क्या बन जाएगा बेटा? a अपॉन b इक्वल्स टू टू एम प्लस टू अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन, मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हाँ, और वो बन भी रहा है, बिल्कुल सही। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा? रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी लग गई। डन? और यहाँ पे टू एम माइनस टू टाइम्स अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से टू टू कॉमन लेता हूँ, ए अपॉन बी इक्वल्स टू टू इन साइड द ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, ए बाई बी इक्वल्स टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या श्योर यही प्रूफ करना था? स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर।
और ये हाँ पुश सर, करते हाँ ही सर, आपको मिलेंगे पांच में से पांच। ठीक है बेटा, बन पांच, जाएगा, कोई दिक्कत। तो हाँ इसमें नहीं नई सर, चीज जो सीखने वाली थी वो थी कंपोटेंडो डिविडेंडो। ओके, समझिए, चलिए हाँ सर, आराम से नोट करिए, बिल्कुल साफ साफ। करो सर। आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। डन श्योर, लिख रहा हूँ लिखो। सर, यस सर। चलिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका पार्ट बी, इसी क्वेश्चन का। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी डी फॉर्म जी पी। ओहो हो, तो भाई क्या क्वेश्चन बोल यहीं रहे से उठेगा भैया, ए बी सी डी फॉर्म जी पी। तो स्टार्ट होगा, सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी माई डियर दीज आर इन जी पी। बोलो यस और नो। हो। यस सर, तो भैया जी पी के टर्म्स क्या होते हैं, ए तो ए ही होगा, ए होता है ए, हाँ बी क्या सर, होगा ए बी होता आर, है ए आर, सी हो सी होता है ए जाएगा आर टू ए आर टू एंड डी हो जाएगा एंड सो ऑन। ए आर क्यूब। यस और नो, हाँ सर, बस इतने की ही जरूरत है क्योंकि चार टर्म है यहाँ पे। अच्छा डन, ठीक सर, ठीक सर, ओके। अब हमारे पास ये कहा गया है कि ए और बी इसके रूट्स हैं, रूट है। ठीक है ना, ए और बी इसके रूट हमें दिए गए हैं। तो जो इक्वेशन है हमारे पास उसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, ए इसके सॉरी, रूट्स यदि अल्फ़ा प्लस बीटा होते तो अल्फ़ा एंड बीटा होते तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता, माइनस ऑफ बी माइनस अपॉन ए, माइनस यानी थ्री माइनस 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 थ्री अपॉन ए। क्लियर? माइनस बी बाय होता ना, हाँ, माइनस बी बाई ए, तो ठीक है माइनस बी की ठीक, जगह खुद समझ गया माइनस हाँ थ्री सर, ना, माइनस माइनस आते तो तीन हो ये जाएगा बेटा हो आंसर, जाएगा कितना, प्लस तीन, थ्री। क्लियर? हाँ सर, बट फिलहाल अल्फा की जगह रूट्स ए और बी हैं, तो यहाँ पे सीन क्या बनेगा, ए प्लस बी ए इक्वल प्लस टू बी इक्वल टू थ्री। थ्री, क्लियर? हाँ सर, ए प्लस बी इक्वल टू थ्री का सीन बनेगा। और दूसरा है यहाँ पे कि ए और बी इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाय तो होता है, सी हाँ इक्वल टू पी अपॉन वन, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। और फिलहाल अल्फ़ा की जगह आपने देख लिया है कि ए और बी खेल रहे हैं, ये सुनो, हाँ सर, जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा की जगह कौन है, ए और बी, ए और तो बी ए इंटू बी इक्वल टू पी। क्लियर? पी, हाँ चलिए, ये पहली बात हो गई। अब अगले जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये जो है इसके रूट्स कौन दे रखे हैं, सी और डी। ये सुनो, हाँ सर, तो सम ऑफ द रूट्स सी प्लस डी इक्वल टू माइनस बी माइनस अपॉन ए माइनस 12/12 हो वन, जाएगा, सो सी प्लस डी इक्वल टू प्लस ट्वेल्व। क्लियर? हाँ सर, एंड सी इंटू डी, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी क्यू हो इंटू जाएगा, डी इक्वल टू सी बाई ए, एंड हियर सी इज वॉट, क्यू बाई ए, क्यू बाई वन। हाँ यस और सर, नो बेटा? हाँ सर, तो सी इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। क्लियर क्यू, है? हाँ सर, चलिए अब क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर, तो भैया यहाँ पे क्यू प्लस पी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, सी डी, प्लस पी की वैल्यू है ए बी, है कि नहीं है बेटा, हाँ सर, क्यू की वैल्यू सी ओके डी आई है सर, ना और पी की वैल्यू ए बी है, हाँ सर, देख लो ए पी की वैल्यू ए बी ये लिखा हुआ है। एक बार सर यहाँ से बता सकते क्या हुआ, बेटा फिर से बता देता हूँ, आपसे जो पूछा गया है प्रूफ करने के लिए वो पूछा, सॉरी फाइंड करने के लिए वो पूछा गया है क्यू हाँ प्लस हाँ पी अपॉन क्यू माइनस पी, पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो आपसे हाँ क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी पूछा गया है। डन? हाँ सर, हाँ, ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आपसे जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
रेशियो पूछा गया है क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस क्यू पी, दिख रहा प्लस आपको? पी अपन क्यू माइनस पी, हाँ सर। सो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, देखिए क्यू क्या था, हमारा क्यू क्या है, सी डी आया था कि नहीं आया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो आया था सी इंटू डी, और प्लस पी कितना आया था, ए इंटू अच्छा बी आया था कि नहीं आया था, ए इंटू बी एट, हाँ, तो हाँ सर। सी डी प्लस ए बी और अपॉन में सी टू डी माइनस ए बी, बोलो ठीक है? अच्छा ठीक और सर, सी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या थी, ए आपने देखा था, ए इक्वल टू ए था, बी इक्वल टू ए आर था, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर सी था इज इक्वल टू और ए आर डी क्यूब इक्वल टू था, ए आर क्यूब था कि नहीं सॉरी हाँ था, स्क्वायर ए क्योंकि आर ये क्यूब तीनों था, सभी चारों हाँ तरफ हाँ जीपी में थे, तो वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू कितनी यस है सर, ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए है आर ए आर स्क्वायर, क्यूब ए माइनस, आर क्यूब माइनस नहीं ऊपर ऊपर प्लस है, वो ए की वैल्यू प्लस है, ए प्लस है और बी की वैल्यू है ए आर, ए और क्लियर ए बेटा? आर, तो हाँ ऊपर वाला सर। जो पार्ट जो आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस 2 5 बेस एम पावर्ड प्लस ए स्क्वायर आर, क्लियर ना बेटा? हाँ सर, हाँ हाँ और सर, नीचे वाला जो टर्म है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए आर, ए आर, क्योंकि अच्छा माइनस ही आना है बीच में और कुछ तो है नहीं, सर, ठीक ना, और हाँ वही वही माइनस वही वही ए सेम इंटू ए चीज़ आर, तो माइनस ए स्क्वायर आर, क्लियर बेटा? हाँ सर, हाँ चलिए, सर, तो यहाँ से ए स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ और आर भी कॉमन ले लूँ, तो श्योर आपको आर की पावर 4 माइनस 1 दिख रहा है, प्लस वन हाँ सॉरी, है ना, और नीचे यहाँ पे ए हाँ स्क्वायर सर, आर फिर से कॉमन ले लूँ तो आर की पावर थ्री फोर 4 माइनस 1, माइनस वन, ठीक है बेटा? तो ए स्क्वायर आर से ए यस स्क्वायर आर कैंसिल, क्या बन गया, आर की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 माइनस 1, ओके, क्लियर सर, कि नॉट क्लियर? क्लियर क्लियर, तो आर की पावर 4 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 माइनस 1, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन में क्या है हमको लेके आना है कि हमको 17/15 इसका रेशियो प्रूफ करना है, ठीक है सर? हाँ तो सर, देखिए अभी तक हमने इन चीज़ों का यूज नहीं किया है, ए प्लस बी का और सी प्लस डी का, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी और सी हाँ प्लस डी सर, यूज़ होने वाले हैं, ठीक है सर? हाँ तो ए सर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, और सी थ्री प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 12 है, बारह, हाँ तो सर, ए प्लस बी इक्वल टू 3 एंड सी प्लस डी इक्वल टू 12, ठीक है श्योर? ट्वेल्व, तो ए की जगह ए, हाँ सर, बी की जगह ए आर इक्वल टू 3, सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब इक्वल टू 12, क्लियर बेटा? हाँ सर, हाँ नाउ सर, यहाँ ए 1 प्लस आर इक्वल टू 3 वन एंड प्लस यहाँ आर पे इक्वल ए टू आर थ्री, कॉमन लेके, वेट 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 वेट, ए आर स्क्वायर कॉमन ए आएगा, आर, राइट, हाँ सर, ए आर स्क्वायर कॉमन लेके ए 1 प्लस आर आर, इक्वल टू 12, ठीक है श्योर? हाँ सर, तो ये इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 में आप 1 को डिवाइड कर देते हो तो आपका फ़ायदा होने वाला है, देखो ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12/3, ठीक है श्योर? हाँ सही सर, करा हूँ कि नहीं करा? हाँ हाँ हाँ, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, ए से वन ए प्लस कैंसिल, आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 4 12, बोले यस कि नो? सही बात, आप थोड़ा सा ऊपर दे सकते हो, बिल्कुल, देखो बेटा आपको कंडीशन दी थी ना ए प्लस बी इक्वल टू 3 एंड सी प्लस डी इक्वल एक टू सेकंड सर, 12, नहीं ऊपर, एक और ऊपर दिखाना, क्या बोले? थोड़ा सा ऊपर दिखाना सर, थोड़ा सा ऊपर दिखाना बस, एक सेकंड, नहीं इतना नहीं, उतना नहीं, पीछे पीछे,
वो क्या कटा था सर, एक और नीचे थोड़ा सा नीचे ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर आर किससे, एक स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा तो सर। अच्छा ठीक है, समझ गया तो सर। आर की पावर 4+1 अपॉन आर की पावर 4-1 बचा, ठीक है। हाँ मुझे लगा वही कट गया सर। हाँ हाँ तो समझ अपने गया। पास एक्चुअली प्रूफ जो करना है उसके लिए अपन को आर की वैल्यू चाहिए है, डन। हाँ हाँ सर, अब यस सम सर, ऑफ द यस। जीरोस से हमारा इक्वेशन बना था ए प्लस बी इक्वल टू 3, याद आया। तो हाँ ए प्लस बी की जगह ए आर है क्योंकि जी पी है, हाँ तो ए सर, प्लस ए आर इक्वल टू 3, ए कॉमन ए प्लस आर इक्वल टू 3, 1+r=3, हाँ ठीक सर, है। हाँ सर, एंड सी प्लस डी इक्वल टू 12, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 12, ए आर स्क्वायर कॉमन, 1+r=12, क्लियर। हाँ सर, अब सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, देख लो जरा, हाँ सर, ये तो आर स्क्वायर बना के फोर आर आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो आर इक्वल टू +-2, क्लियर, और इसका 2 स्क्वायर करते प्लस तो फोर का माइनस भी टू, ठीक स्क्वायर, है ना। मतलब फोर अब का आर की सिक्सटीन। वैल्यू हमारे हाँ पास आ सर, चुकी है और इस आर का यूज़ करके हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, आर की पावर 4+1 अपॉन आर की पावर 16 4-1 होगा सर, दोनों में 16 होगा। क्यू, अरे नहीं होगा यार, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल नहीं टू होगा, आर की पावर 4+1 अपॉन आर की पावर 4-1, क्लियर। हाँ सर, एक आर की पावर 4+1 है, एक आर की पावर 4-1 है, ठीक है। हाँ, और अपनी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, इसका भी कोई नाम सोलह दे ही दो, पूछेगा कोई कहाँ से सर, आया। आर फोर तो 16 ही होगा ना, दो मिनट आर दो रेश की भाई, पावर 4। अच्छा ठीक है, तो ये लिखेंगे बाई ए, इक्वेशन नंबर ए से वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू कितनी है, +-2 की हाँ पावर 4। अब प्लस का प्लस की पावर 4 करो चाहे माइनस की पावर 4 करो, आएगा तो +16 ही, चाहे तो प्लस में आएगा, वही तो 16, 17 प्लस भाई वो हो गया ना 15 +-2 पर फोर प्रूफ। माइनस वन तो देखो ऊपर हो गया 16+1, यस और नो, सर 7 से, हाँ भाई नीचे भाई भाई 16-1, 17 तो 17/15, 15 17/15, चेक करो, ये प्रूफ करना था, देख लो यस सर, सेवनटीन हाँ बाई सर, फिफ्टीन ही है ना, हाँ हाँ यस सर, हैंस प्रूफ, ठीक है, हाँ नोट कर सर, लीजिए, ऊपर से दिखाते हैं। श्योर। चलिए आराम आराम से नोट करिए, कोशिश ये करिए कि आप अपने से करें बिना देखे, एक बार क्वेश्चन हाँ को सर, पूरा ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद आप खुद से करिए बिना देखे, जितनी गलती हो उतना अच्छा, गलती हो ना मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डर हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो दोनों के रूट्स का प्रोडक्ट भी काम में आएगा और सम ऑफ द जीरो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस काम में आएगा, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पहली बार में ए बी है, दूसरी में सी डी है। ए भी है, हाँ सर, चलिए नोट करिए। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि इज प्लेइंग बाई मेकिंग डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बाई अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया इन डिफरेंट ऑर्डर, क्लियर है भाई। हाँ हेलो, सर, क्लियर है बेटा। हाँ सर, तो आपको इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड विल बी फॉर्म्ड इन ऑल, लियो भैया। तो 5 लेटर हैं, नंबर 1 का आंसर, 5 लेटर में 5 लेटर का यूज़ करके कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5, फाइव, मगर बेटा हाँ 2i का रिपीटेशन है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए फैक्टोरियल 2, क्लियर कि नॉट क्या क्लियर क्या सर, क्या, भाई। 5 लेटर हैं हाँ INDIA में, बोलो यस कि नो। हाँ तो 5 लेटर हैं तो INDIA में फैक्टोरियल 5, 5P5, हाँ बट 2 का रिपीटेशन हो रहा ना, 2i सेम है ओह तो अच्छा इसके ठीक है, इफेक्ट को समझ गया कम समझ करने के गया, लिए टू फैक्टोरियल ठीक है 2, सर, सो आंसर विल हाँ बी सर, 5 फाइव इंटू इंटू फोर इंटू 4 थ्री इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, खड़ैक 60 खड़ैक, आंसर है सर, बिल्कुल सही। तो देयर आर टोटल 60 वर्ड्स, क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर, सेकेंड क्वेश्चन, यार ऐसा क्वेश्चन तुम छोड़ छोड़ रहे हो, नहीं किया नहीं यार, क्यों अरे नहीं सर, नहीं वो किया, भी दूसरा पेपर, अरे नहीं देखा आपने, कैसे कराने वाले थे, देखा ही नहीं तुमने ये क्वेश्चन, नहीं अरे वाह यार, सर, केस स्टडी नहीं किया था, मैंने बताया मेरे था, मैंने बस वो मतलब सेट वाला मेरे आंसू फेफड़े तक आ चुके हैं, वो कभी भी मेरे आंख छोड़ा तक आ नहीं सकते सर, हैं। नहीं इतने सारे पेपर है सर, तीनों करा था चलो ठीक है, हाउ अलग मैनी अलग वर्ड्स क्वेश्चन, ऑल द वोवेल्स विल बी टुगेदर, तो अब मैं चलिए बताता पूरे हूँ वोवेल्स आंसर, को टुगेदर कर लेते हैं, आई आई ए, बोलिए, 3 वॉवेल हैं, हाँ तीन सर, वॉवेल का एक पैकेट मान लो बेटा, और बेटा दो हो गए कॉन्सोनेंट, है ना, एन और सर और पाए दो होगा बी, ना, क्या बेटा,
और फिर डिवाइडेड बाय दो हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा ना डब्बे के अंदर है बेटा। ओके हाँ तो अब बेटा टोटल गिने जाए तो कितने लेटर हैं, 1, 2 और ये बॉक्स हो गया 3। बोलो थ्री क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर तो फैक्टोरियल 3 पहली चीज। अब बेटा इनके अंदर भी धमा चौकड़ी मचेगी, बोलिए यस और नो। भाई तीन की धमा चौकड़ी तो हो ही गई, अब इनके अंदर की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल दो 3 दो हाँ क्लियर। जिसमें दो सेम सर हैं तो उनका रिपीटेशन कितना होगा, फैक्टोरियल 2। क्लियर की नॉट क्लियर। एक सेकंड सर फैक्टोरियल थ्री किस था सर बेटा एक एक बॉक्स एक ये और 1, 2, 3 दो और तीन। क्लियर की नॉट क्लियर। हाँ सर भाई तीन हो गया ना टोटल, भाई ये बॉक्स को एक लोगे और एन हो गया दूसरा हाँ और डी हो गया तीसरा, तो तीन अपनी जगह में कैसे खेल सकते हैं फैक्टोरियल 3, अच्छा ठीक क्योंकि सर वॉवेल कहीं भी आ सकता है ना, बीच में भी आ सकता है, किनारे भी आ सकता है, यस और नो। हाँ सर हाँ सर उसको हम एज ए बॉक्स क्रिएट करेंगे ठीक है। हाँ सर एंड देन इसके अंदर के जो लोग हैं तीनों फैक्टोरियल 3, यस और नो। यस बट उसमें से दो सेम हैं तो फैक्टोरियल 2। क्लियर की नॉट क्लियर। हाँ सर क्लियर सर चलिए नेक्स्ट। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 13 वर्ड। वाह भाई वाह। अगर डिक्शनरी में लिखा जाए इंडिया को तो 13 वर्ड क्या होगा, INDIA। ठीक है बेटा। हेलो, रुक गए तो सर हाँ 13 सर वर्ड आता है क्या होगा, INDIA यदि लिखा गया है तो बेटा 13 वर्ड क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर तो सबसे पहले यहाँ पे तुम खा लो फिर बचा देना मुझे। तो सबसे पहले देखिए बेटा कहाँ से डिक्शनरी शुरू होगी, ए से। होगी कि नहीं होगी बेटा। हाँ सर और ए के पीछे कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, बोलिए यस और नो। तो चार ए को तो आपने हाँ लॉक कर दिया, मतलब उसकी पोजीशन 1 हो गई। और चार वर्ड कितने तरीके से परमुटेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। चार बट उसमें दो लोग सेम हैं आई वाले, दो लोग सेम तो हाँ फैक्टोरियल 2 भी आई डिवाइड वाले करेंगे। तो आंसर 4 × 3 ओ दो फोर इंटू थ्री एक फोर फोर और थर्ड टू थर्ड वन ट्वेल्थ कैंसिल हो जाएगा माय डियर। तो टोटल कितने आ गए, 12। बारह बारह ठीक है भैया, हाँ सर क्योंकि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 डन ना। यस सर हाँ तो सर 4 × 3 × 2 × 1 और डिवाइड बाई 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, डन। यस सर चलिए तो हाँ पहला सर हो गया 12। अब आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है यही बेटा। होगा शायद सर हाँ सर हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे 12 वर्ड हो चुके हैं और इन लोगों ने हमसे कौन सा वर्ड पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है 13 वर्ड। 12 13 13 थर्टीन वर्ड मतलब इसके जस्ट आगे वाला वर्ड। तो देखिए बेटा सबसे पहले अब 13वें नंबर के वर्ड में आई आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे हाँ ए की सर लिस्ट खत्म हो गई ना। हाँ ना ना ना, हाँ हाँ आई नहीं हाँ आएगा बेटा, डी से आएगा। डी हाँ क्या अच्छा आएगा, ठीक डी आएगा। क्यों, ए के बाद डी आता है ना भाई, हाँ छोड़ दे डिक्शनरी रहा है तो ए ए के लेटर पूरे हो चुके हैं तो अब हाँ डी हाँ के आएंगे ना, समझ गया समझ गया नहीं मैं 13 गिन रहा था हाँ सर बिल्कुल डी के आएंगे ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले है डी, ठीक है बेटा। शोर कहाँ है ध्यान आपका, सर नहीं मैं कुछ और वो उससे देख रहा था 13 मतलब 13 वर्ड हमें बोल 13 रहा है तो चाहिए 12 वर्ड तो ये हो गए ना, हाँ 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 12 वर्ड तो ए वाले हो गए, यस और नो। हाँ 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 अब सर ए के बाद अल्फाबेट में बी आता है तो बी है नहीं, सी आता है तो है नहीं, अब डी सी है। डी है डी है सीधा डी तो है डी के बाद अगला लेटर क्या आता है, बोलो, ए, ये आ क्योंकि जाएगा डी तो लॉक हो चुका है। और ए हाँ के बाद सर फिर कौन आएगा, आई आई शायद आई। आई के बाद फिर से कौन आएगा, एन आई सॉरी हाँ आई आई ही फिर एन आएगा। आएगा और फिर कौन आएगा, एन एन। एन तो ये होगा आंसर बेटा, डी ए आई आई एन। ठीक है, डी हाँ सर नहीं ठीक, समझ गया सर हाँ सर समझ गए। तो क्या हाँ होगा सर लेटर, डी ए आई ए आई आई एन। आई एन दिखा कि नहीं दिखा। हाँ सर हाँ तो देखिए पहला आंसर 60, दूसरा आंसर फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और लास्ट है डी ए आई आई एन। यस सर क्लियर। हाँ सर इसमें किसी टाइप का कंफ्यूजन है आपको क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर समझ गया
चलिए नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट यहां से है, ओके यस सर। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो श्योर पढ़िए क्वेश्चन क्या है। चेस बोर्ड इज अ, हाँ सर, चेस बोर्ड इज द टाइप ऑफ गेम बोर्ड यूज फॉर द गेम ऑफ चेस ऑन विच द चेस पॉन्स एंड पीसेस आर प्लेस्ड। अ चेस बोर्ड इज यूजुअली स्क्वायर इन शेप विद एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स इन टू कलर्स विद इट्स साइड बीइंग डिवाइडेड इन टू 8 पार्ट्स रिजल्टिंग इन अ टोटल ऑफ 64 स्क्वायर्स। द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्ट अ रिवॉर्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, 2 grains for the second, 4 grains for the third, and so on, doubling the numbers of grains for subsequent squares. चलिए देखिए तो क्या कह रहा है कि ये जो द इन्वर्टर ऑफ चेस बोर्ड है इसने सजेस्ट किया कुछ ऐसा। ये मैं एक चेस बोर्ड आपके सामने ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे देखिएगा। स्टार्टिंग में ये चेस बोर्ड का बेटा पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है और ये चौथा बॉक्स है, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ऐसे ही बना दिया है ना सामने। अच्छा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसने इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड सजेस्टेड रिवार्ड ऑफ 1 ग्रेन, मतलब यहाँ पे एक अनाज का दाना, ठीक है। हाँ सर। 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, और एक के बाद यहाँ पे 2 ग्रेन रखे, यहाँ पे कितने रखे बेटा, 4। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर क्लियर सर। और इस तरीके से डबल करते जा रहे हैं, मतलब पहले में 1 फिर 2 फिर 4, क्लियर बेटा। 1 2 2 2 2 4, इस तरीके से ये जीपी बन रही कि नहीं बन रही बताइए, हैविंग कॉमन रेशियो 2, क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है हाउ मेनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन टू द इन्वर्टर फॉर 30 स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। कह रहा है कि 30वें नंबर के स्क्वायर के लिए इसको कितने ग्रेन दिए गए होंगे, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमको 8/30 निकालना है। हाँ सर, बोलो क्या ए आर रेश टू पावर एन। बिल्कुल सही, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ए एन इक्वल्स टू होता है ए आर की पावर एन माइनस वन टू ए 30 इक्वल टू ए यहाँ पे कितना है बेटा 1, और 2 की पावर 30 माइनस 1 और 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 29 एंड योर आंसर इज 2 टू द पावर 29, क्लियर है बेटा। यस, कोई दिक्कत? नो। ओके, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड हैव टू गिवन टू द इन्वेंटर इन ऑल, मतलब टोटल इसको कितने ग्रेन दिए गए होंगे। तो श्योर ये बताओ कि टोटल चेस में कितने बॉक्स होते हैं। हाँ सर, चेस में टोटल कितने बॉक्स होते हैं। 64, ये देखो लिखा है, मैं नहीं खेला। 64 स्क्वायर लिखा है ना बेटा। अच्छा ठीक है, कितने होते हैं। हाँ हाँ सर, 64। तो 64 स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे ऑल टोटल, ये पूछा जा रहा है, समझ में। 64 निकालना है, बिल्कुल सही, S64। तो एस एन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए इसके लिए, है ना बेटा। तो एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, होता है कि नहीं होता। हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ए कितना है बेटा 1, आर यानी कि 2 की पावर 64 माइनस 1 एन जो भी है 64 का और minus यहाँ one. पे 2 माइनस 1, क्लियर बाय 2 माइनस 1। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, योर आंसर विल बी 2 की पावर 64 माइनस 1 अपॉन 1 सर, एंड फाइनली योर आंसर इज 2 की पावर 64 माइनस 1, क्लियर 20। हाँ सर बन जाएगा। हाँ सर, ये सब निकालने की जरूरत पड़ती है सर। 2 नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कौन निकालेगा, बुढ़ापा आ जाएगा बेटा बच्चों का, ठीक है ना। ठीक है, 2 की पावर 64 माइनस 1,
कोई निकालने बैठ गया तो नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, क्यों निकालोगे, समझ में आ गया ध्यान दे। ना। हाँ सर, सो ये हमारा पेपर बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट पेपर। ठीक है बेटा, यस सर, आप हाँ देख लीजिए सर, हमने सारे 38 के 38 क्वेश्चन लगवा दिए आपको। क्लियर है बेटा? हाँ सर, हाँ सर, और आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मिल जाएंगे इससे। ठीक है, यस सर, हाँ सर, ओके। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये था, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है ना, हाँ सर, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एंड ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर, तो इक्वल टू शो दैट बी इक्वल टू सी। अब ये बेटा इसमें बहुत लिखना पड़ेगा हमको, तो अभी इसको बता दूं या बाद में बता दूं, बताओ? कौन सा वाला सर? ये वाला 26 का पहला पार्ट, 26 का पहला, हाँ सर, करवाई दो। बस इसमें लिखने की प्रोसेस बहुत होगी। है बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते आते तब तो करा हैं दो सर, बेटा, वरना पिछले नहीं आ बार भी आए सकते थे फिर तब तक और करा दो। आपने हाँ सर, घनघोर आरोप लगाए थे हम पे। सर क्या है उसमें करना था सर? सिंपल थ्योरी होती है, बस लिखते जाओ अब लिखते जाओ। जो चैप्टर में सबसे बकवास चीज़ है उसमें से अगर क्वेश्चन दे दो और कितना गुस्सा सकता है सर, ऑब्वियसली बिल्कुल, बट आता है यही है, अब क्या किया जाए। ठीक है ना, इतना कुछ हो सकता है उसमें लेकिन बकवास चीज़ ही बस मेन डाल रखे है। चलिए ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं मगर इसमें से ये चीज़ें आती हैं फिर भी। हाँ सर, देखिए, जितना हो सके इसके क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए जिस हद तक जा सके। ठीक है ना, मतलब ये तो नहीं, मैं नहीं यस कहूँगा सर, कि बहुत श्योर है कि हर बच्चा इसको पूरा कर ले जाएगा, बट फिर भी स्टिल जितना बन सके उतना करो। ठीक है, हाँ सर, तो कैसे लिखेंगे स्टार्ट में? गिवन दैट, गिवन वी हैव गिवन 3 सेट्स, कितने सेट्स दिए गए हैं बेटा अपन को? तीन 3 सेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। क्लियर? हाँ हाँ, सर, हमको 3 सेट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिए गए हैं, वेयर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। क्लियर? ठीक ये सर, हाँ गिवन सर, है। ठीक है बेटा, यस सर, हाँ हाँ सर, अब देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब एक्स जो है हाँ ए सर, यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यस और नो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है, अगर हमने एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माना है तो एक्स या तो ए के अंदर होगा या एक्स बी के अंदर होगा। बोले ए के यस और अंदर, नो? हाँ सर, क्योंकि एक्स ए यूनियन बी के अंदर है, इसलिए आइदर एक्स ए के अंदर होगा या बी के अंदर होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर, अब यहाँ पे देखो, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया है, हाँ सर, दिया है ना? हाँ हाँ सर, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, और सिंस एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, इसलिए एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन सी को। कहो हाँ या ना? हाँ सर, हाँ हाँ सर, ठीक है, तो एक्स ए यूनियन सी को बिलोंग करेगा, देयर फोर एक्स आइदर बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। बन जाएगा बेटा, हाँ सर, मतलब कि एक्स जो होगा ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा, यहाँ पे ए को बिलोंग करेगा या सी को बिलोंग करेगा। सी ठीक है को, ना? यस सर,
तो अब दूसरा हो गया केस ना दिया इसका। गया है, चलो मतलब बस अब देखो इन दो चीज़ों से कुछ रीजनिंग निकलेगी। अब दूसरा केस को डिस्कस करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और सेकंड केस है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हाँ सर। ठीक है, तो लिखेंगे, लेट पहले लिखेंगे गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। बोलो गिवन है कि नहीं है। दे आर हाँ सर। फोर, या कहेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। माना हमने कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक सर। क्लियर। दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी के भी अंदर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है। ठीक है, अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है का मतलब क्या हुआ? दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बी बेटा, आज दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब एक्स बी के अंदर है, और एक्स बी के अंदर है मतलब एक्स सी के अंदर है। सी के भी ठीक है, अंदर है। हाँ सर। मतलब एक्स ए के अंदर तो है ही, साथ ही साथ और बी बी के के भी है अंदर तो भी इससे है हो और गया। सी के अंदर भी है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये था कि एक्स ए के अंदर तो है ही। ठीक है बेटा, सॉरी, हाँ सर ऐसे मान लो बेटा समझ गया सर। कि एक्स ए के अंदर तो है ही, ये बी के अंदर भी बैठा है और सी के अंदर भी बैठा है। देखो यहाँ से बी के अंदर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, हाँ सर। और सी के अंदर भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ दिख से रहा है। दोनों रीजनिंग को मिला करके मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स या तो बी के अंदर बैठा है या सी के अंदर बैठा है। या तो सी के अंदर। पक्की बात कि नहीं पक्की बात? यस सर। हाँ पक्की बात। और पक्की बेटा बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड लगा है और एक्स बी के अंदर भी बैठा है एंड एक्स सी के अंदर बैठा है। तो श्योर, तो श्योर यस। दोनों चीज़ों को मिला के मैं कह हाँ सर। सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। बोलो हाँ या ना। सी के भी अंदर है। तो श्योर हमारे हाँ पास दो सर। चीज़ें आ चुकी हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू बी, एक मिनट इसको एंड मिटा दूं, सी। एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ मतलब सर। वही एलिमेंट यूनियन में है और वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में है। समझ में आ गया? हाँ सर। दैट इज बी यूनियन सी शुड इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? और ये यस। किसके कब होता है? जब दोनों सेट बराबर होते हैं तभी उनके यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल होते हैं। जब दोनों सेट बराबर होते हैं तभी उनके यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। बन जाएगा? हाँ सर। एनी डाउट बेटा? नो सर। पक्का ना? हाँ सर। चलो अच्छे से नोट कर लो श्योर इसको। अब बता दो श्योर, एक बार तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ बताओ। समझ तो आया सर। पक्का? हाँ अभी तुम एग्ज़ाम के बाद कुछ और कहोगे नहीं तो। समझ तो आ चलो गया। लिखो, कोई नहीं।
देखो बेटा, तीन सेट है हमारे यहाँ पे, और अच्छा लड़ाई बी और ठीक सी है। की है ना? हाँ, बी और सी की इक्वल हाँ, करने की, तो ए पहले ए बी से यूनियन बी बिलोंग में मान करता है और सी लेंगे, से बिलोंग करता है, और तो ए बी यूनियन यूनियन बी, ए सी। यूनियन सी के इक्वल है, तो जब हाँ ए यूनियन बी के अंदर बैठा होगा तो ए यूनियन सी के अंदर भी बैठा मतलब होगा, हाँ, तो ए के अंदर भी है या बी के अंदर भी है, और ए के अंदर भी है या सी के अंदर भी है, बोलो हाँ है हाँ ना? सर, हाँ सर, तो ए तो कॉमन हो गया, और बी के अंदर भी पाया जा रहा, सी के अंदर भी पाया जा रहा, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है बी ना? यूनियन सी। हाँ और सर, यूनियन क्यों लगाया? क्योंकि और लगा हुआ है, डन। यस सर, सेकेंड केस में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो हमने एलिमेंट एक्स को अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर माना, तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एंड, मतलब इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड